सर आप चेयरमैन हैं एमएलएफ दुबई चैप्टर के, और जब से आपने चेयरमैनशिप की यूं समझ लीजिए कि पोस्ट संभाली है, तब से हम देख रहे हैं कि वहां पर एकदम से एक्टिविटीज ऑन हो गई हैं और मुख्तलिफ न्यूज आ रही होती हैं कि भाई यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है, ये गेट टुगेदर हो रहा है, ये सबको वेलकम किया जा रहा है, मेहमानों को इकट्ठा किया जा रहा है। सर क्या स्ट्रेटेजी? देखिए बात यह है कि अगर हम लोग, हमारा ताल्लुक मेमन कम्युनिटी से है और पूरी दुनिया में हमारी मेमन कम्युनिटी बटी हुई है, मतलब दूसरों मुल्कों में, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हमारी आबादी है, इंडिया में, बाकी मुल्कों में बहुत कम है। ख़ासकर अगर उन मुल्कों में अगर मेमन कम्युनिटी को हम लोगों को एक जगह पे लाना है, ये अच्छा काम है और करना चाहिए सबको। तो मेमन लीडरशिप फोरम के हवाले से आप कह रहे हैं, तो हमने यही सोचा है कि पहले हम लोग यूएई के जितने मेहमान हैं उनको एक जगह कनेक्ट कर लें, कि क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं 15-15, 20-20 साल से लेते हैं लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं हैं। जो हमने जो 4-5 इवेंट किए उससे हमको काफ़ी पता चला। तो पहला हमारा गोल यही है कि यूएई में जितने मेहमान हैं उन सबको हम एक जगह कनेक्ट करें, फिर इसके बाद काफ़ी काम हो सकते हैं, यानी बच्चों के रिश्तों में मदद मिल सकती है अगर फैमिलियाँ कनेक्ट होंगी, बिजनेस में काफ़ी एक दूसरे को सपोर्ट हो सकता है, और फिर स्पोर्ट्स के हवाले से हम अपने यूथ को कनेक्ट करेंगे, और काफ़ी यानी इस तरह के इवेंट करके हमने सोचा है कि पहले सबसे पहले मेमन को कनेक्ट कर लें, और मेमन को कनेक्ट करेंगे तो सीधी बात है हमारी कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी है तो काफ़ी और नए आइडियाज़ आ जाएंगे। तो जो सोचा था उसमें हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल रहे, लेकिन क्या है कि यूएई में रूल्स रेगुलेशन कायदे कानून बहुत हैं, पाकिस्तान जैसा नहीं है हलवा, यानी दूसरे मुल्कों में तो पता नहीं इतनी वो नहीं है लेकिन यूएई में काफ़ी रूल्स, काफ़ी कायदे कानून हैं। तो कोई भी हमको इवेंट करना पड़ता है उसको हमको डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कंप्लीट होने चाहिए, इसी वजह से हमने वहाँ का लाइसेंस भी बना लिया मेमन लीडरशिप फोरम के नाम का। तो अभी जो हम इन फ्यूचर में जो भी इवेंट करेंगे, बल्कि अभी भी हम लोगों ने जितने इवेंट किए वो लाइसेंस बनाने के बाद ही किए, तो लाइसेंस भी बन गया है और हमारे, मेरे पास जो टीम है काफ़ी क्वालिफाइड है और काफ़ी जज्बा है लोगों में, जो हमारा बोर्ड है तकरीबन 25% है हम लोग, तो मुझे लगता है कि जो हमारे जो टारगेट है हम लोग सब अचीव कर लेंगे।